हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जो होना था वो तो हो चुका है, अब हमें दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अब समय है आगे क्या करना है ये सोचने का। अब हमें कुरुक्षेत्र जाना ही होगा। हमारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हमें ही करना पड़ेगा ना। इस महायुद्ध में हमने कौरव योद्धाओं पर विजय पा ली है, परंतु कौरव स्त्रियों से मिलने के नाम से ही हमारे दिल दहल जाते हैं। इसमें डरने की क्या बात है पांचाली? हमने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही कोई अधर्म किया है। हम उनसे मिलेंगे और अपना सर ऊंचा करके मिलेंगे। नहीं भीम भैया, हम उनसे सिर ऊंचा करके नहीं, सिर झुका कर मिलेंगे। इस समय उनके घायल दिलों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है, घमंड से सिर उठाकर घाव लगाने की नहीं। भीम, जिसने मेरे लाडले पुत्र दुर्योधन का वध किया, हत्यारा भीम, एक बार ये मेरी बाहों की जकड़ में आ गया तो इसे वासुदेव श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकेगा। अब भीम को पता चलेगा कि उसने मुझे नहीं अपनी मृत्यु को गले लगाया है, अपनी मृत्यु को गले लगाया है। महाराज, 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 क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? महाराज बताइए ना। गांधारी, जिसके सौ के सौ पुत्र मारे गए हों, उसे तो जीवन भर रोना ही है। आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कुरुश्रेष्ठ? कौन, कुंती? हाँ श्रेष्ठ, आप ऐसा मत समझिए कि आपके सारे पुत्र मारे गए हैं। आपके पांच पुत्र अब भी जीवित हैं, और जो पुत्र मारे गए हैं वो मेरे भी पुत्र थे। कुंती, पांडव आप ही के पुत्र हैं महाराज, पांडव आप ही के पुत्र हैं, आप ही की छत्र छाया में वे पले हैं और आगे भी आप ही की छत्र छाया में रहेंगे। गुरुकुल के एकमात्र आप ही श्रेष्ठ हैं। अगर आप ही अपना धीरज खो देंगे तो गुरुकुल का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। अब हम शून्य ही हो गए हैं कुंती, अपने पुत्रों के बिना हमारा कोई अस्तित्व, कोई मोल नहीं रहा है। महाराज, जो होना था वो तो हो चुका है, अब हमें दिल पर पत्थर रखना ही होगा। अब समय है आगे क्या करना है ये सोचने का। अब हमें कुरुक्षेत्र जाना ही होगा। हमारे पुत्रों का अंतिम संस्कार हमें ही करना पड़ेगा ना, हमें ही करना पड़ेगा। मधुसूदन, अब इन घोड़ों के टापों की आवाजें सुनकर
दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, युद्ध की यादें ताजा होने लगती हैं। परंतु बड़े भैया, ये कोई योद्धा नहीं है, ये तो गुप्तचर हैं। प्रणाम महाराज। शीघ्र बताओ गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? महाराज, महाराज धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी, राजमाता कुंती और कुरुकुल की सारी स्त्रियां कुरुक्षेत्र पहुंच गई हैं। सभी कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं? हाँ महाराज, सभी कौरवों के शिविर की ओर गए हैं। प्रणाम महाराज। इस महायुद्ध में हमने कौरव योद्धाओं पर विजय पा ली है, परंतु कौरव स्त्रियों से मिलने के नाम से ही हमारी दिल दहल जाते हैं। इसमें डरने की क्या बात है पांचाली? हमने कोई अपराध नहीं किया है, ना ही कोई अधर्म किया है। हम उनसे मिलेंगे और अपना सर ऊंचा करके मिलेंगे। नहीं भीम भैया, हम उनसे सिर ऊंचा करके नहीं, सिर झुकाकर मिलेंगे। इस समय उनके घायल दिलों पर मरहम लगाने की आवश्यकता है, घमंड से सिर उठाकर घाव लगाने की नहीं। बड़े भैया, अब हमें कौरवों के शिविर में चलना चाहिए। क्या यही मेरे पुत्र दुर्योधन का शिविर है? हाँ महाराज। गांधारी, यदि दुर्योधन जीवित होता तो मेरा स्वागत करने के लिए आता, मुझे प्रणाम करता। महाराज, ऐसी भावुकता मत दिखाइए कि मैं सहन ना कर सकूं और मेरी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। गांधारी, इन चीजों से मुझे दुर्योधन के शरीर की बू आ रही है। गांधारी, गांधारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी पल दुर्योधन यहां आएगा और मुझे देखकर कहेगा, प्रणाम ताचरी। दुर्योधन, दुर्योधन? नहीं ताचरी, मैं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर। महाराज, आपने युधिष्ठिर को आशीर्वाद नहीं दिया? वासुदेव, तुम्हारी छत्र छाया के होते हुए पांडवों को अन्य किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। नहीं महारानी, मेरे नहीं, ज्येष्ठों के आशीर्वाद ने पांडवों की सुरक्षा की है। ज्येष्ठों ने पांडवों को सदा ही आशीर्वाद दिया है, क्योंकि पांडवों ने अपने ज्येष्ठों का कभी भी अनादर नहीं किया। हाँ, ज्येष्ठों के आशीर्वाद ने ही पांडवों की रक्षा की है, परंतु अब किस ज्येष्ठ के आशीर्वाद से पांडवों की रक्षा होगी? अब कौन बचा है आशीर्वाद देने को? एक मेरे अतिरिक्त, परंतु क्या मैं मन से आशीर्वाद दे पाऊंगा? प्रणाम ताचरी। ताचरी प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स युधिष्ठिर। आओ मेरे सीने से लग जाओ, मेरे अंदर जो शोक की आग भड़की है उसे शांत कर दो। आओ आओ वत्स, आओ।
मुझे क्षमा कर दीजिए ताजश्री। मैं इसी पल युधिष्ठिर को अपनी बाहों में बुरी तरह जकड़कर मृत्यु के अधीन कर सकता हूं, परंतु इसने तो मेरे एक भी पुत्र की हत्या नहीं की है। जाओ भीमसेन, जाकर ताजश्री से आशीर्वाद लो। जी भ्राताश्री। भीम, मेरे पुत्रों का हत्यारा, जिसने मेरे 100 के 100 पुत्रों का वध किया है। भीम, जिसने मेरे दुशासन के हाथ उखाड़कर उसका सीना फाड़कर रक्त प्राशन किया। भीम, जिसने मेरे लाडले पुत्र दुर्योधन का वध किया। हत्यारा भीम, एक बार ये मेरी बाहों की जकड़ में आ गया तो इसे वासुदेव श्री कृष्ण भी नहीं बचा सकेगा। अब भीम को पता चलेगा कि उसने मुझे नहीं अपनी मृत्यु को गले लगाया है, अपनी मृत्यु को गले लगाया है। प्रणाम ताजश्री। विजयी हो, अपने ताजश्री के गले लग जाओ भीम। अपने ताजश्री के गले लग जाओ, गले लग जाओ भीम, अपने ताजश्री के गले लग जाओ, गले लग जाओ भीम, गले लग जाओ भीम। अपने अपने ताजश्री के गले लग जाओ भीम, अपने ताजश्री के गले लग जाओ। आओ वत्स। ताजश्री, ताजश्री मैं आप ही के सामने हूं। अपने ताजश्री के गले लग जाओ भीम। महाराज, कुंती बताओ, मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं बताता हूं गांधारी। आप महाराज? मैंने क्रोध के आवेश में भीम को मार डाला। क्या? आपने क्या किया महाराज, ये आपने क्या किया? प्रतिशोध की आग में कुरुकुल का सर्वनाश हो चुका है, फिर भी आप प्रतिशोध की आग में अब तक जल रहे हैं, और आज आप भी अश्वत्थामा की भांति विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे क्षमा कर दो गांधारी, मुझे क्षमा कर दो। मैं क्या करता, अपने मन में उठे हुए प्रतिशोध के शोलों को मैं दबा नहीं सका और मैंने भीम का अंत कर दिया। हे कुंती, मुझे क्षमा कर दो।
मुझे क्षमा कर दो। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ महाराज, भीम जीवित है। भीम जीवित है? हाँ महाराज, भीम जीवित है, कृष्ण ने उसे बचा लिया है। क्या सचमुच भीम जीवित है वासुदेव? हाँ महाराज, भीम जीवित है। फिर वो कौन था जिसे मैंने अपने बाहुबल से चकनाचूर कर दिया? वो तो एक निर्जीव पुतला था जिसका प्रयोग गदा युद्ध सीखते हुए किया जाता है। निर्जीव पुतला? हाँ महाराज, मैंने आपके मन में उबलते हुए प्रतिशोध के विचारों को भाप कर भीम भैया को रोक कर पुतले को आगे कर दिया था। महाराज महाराज, आप तो परम बलशाली हैं महाराज, मृत्यु के पंजों की जकड़ से प्राणी छूट सकता है परंतु आपकी बाहों का बंदी कभी नहीं छूट सकता। महाराज, आपने तो भीम भैया के लोहे के पुतले को तोड़ कर रख दिया। यदि उस पुतले की जगह स्वयं भीम भैया होते तो उनकी क्या दशा होती इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। अब उठिए महाराज, आइए उठिए उठिए। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा है वासुदेव। महाराज, पछतावा तो भूतकाल में किए हुए अपने कर्मों पर होता है, परंतु जो अपना भविष्य पहले से ही देख लेते हैं वो ऐसे कर्म करते ही नहीं कि उन्हें कभी पछताना पड़े। हे ताच्छ्री, जीवन भर भविष्यवाणी को सुनकर भी आप अनसुना कर देते थे, दुर्योधन और स्वयं आप भी शकुनी के हाथों में पासे बनकर रह गए थे जिन्हें वो अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता रहा, जिसका परिणाम कुरकुल के भीषण संघार के रूप में सामने आया। हे महाराज, जिस समाज में ज्येष्ठों के सामने कनिष्ठों से कुल वधु का अपमान करने का दुस्साहस किया जाए उस समाज अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है, और जिसने ये अपराध किया उसने मृत्यु के रूप में उसका दंड भी भोगा। इसलिए हे दाचरी, इस युद्ध में मरने वालों का आप शोक मत कीजिए, भले ही वो आपके पुत्र क्यों न हो, उन्हें तो मरना ही चाहिए था, नहीं तो वो समस्त समाज को दूषित कर देते। महाराज, पांडवों को दोष देना या उनसे द्वेष करना ठीक नहीं है। इस महायुद्ध में पांडवों ने भी बहुत कुछ खोया है, परंतु अब वो अपने पिता श्री को खोना नहीं चाहते। हाँ ताच्छ्री, आज भी आप पांडवों के ताच्छ्री ही हैं। वासुदेव, तुमने इन अंधी आंखों में ज्योति दे दी है, अब मैं अपने भाई पांडु के पुत्रों में
अपने पुत्रों को देख सकता हूँ। भीम, भीम, आओ भीम, आओ, अपने उस दुर्भागी तात के गले लग जाओ भीम। वो धृतराष्ट्र जो तुम्हारी मृत्यु की कामना कर रहा था, वो तुम्हारे इस पुतले के साथ मर गया। आओ भीम। नहीं। आओ भीम, आओ। जाओ भीम। जाओ वत्स। हाँ। भीम, आयुष्मान भव भीम, आयुष्मान भव भीम। प्रणाम तारश्री। सदा विजयी भव। तारश्री प्रणाम। कल्याणम अस्तु पुत्र। प्रणाम ताश्री। सहदेव, दीर्घायु भव सहदेव। हे माधव, संसार युद्ध में होने वाली जान की हानि का हिसाब तो रखता है, परंतु औरतें अपने लाड़लों को खोकर, अपने सुहागों को खोकर जो नुकसान उठाती हैं, उसका अनुमान पुरुष लगा भी नहीं सकते। इस महायुद्ध में गुरुकुल और समस्त भारतवर्ष की स्त्रियों ने जो खोया है, उसे तो अब ईश्वर भी नहीं लौटा सकता। इस महायुद्ध में किसकी जीत हुई, ये तो हमें नहीं मालूम, परंतु कौन पराजित हुआ ये हमें मालूम है। हे माधव, इस युद्ध में स्त्रियां पराजित हुई हैं, इस युद्ध में नारी ने सब कुछ हार दिया है।